नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल नौकरी ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर 8-10 वैकेंसियाँ लेके आया हूँ 2018 की। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो MP पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, उनके कट ऑफ, मेडिकल, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा जिनमें जो मैंने वीडियो बनाए हैं MP पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, UP पुलिस के, उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो दोस्तों ये भर्तियाँ निकली हैं इंडियन नेवी में भर्तियाँ निकली हैं, परमानेंट जॉब है। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। जॉब की लोकेशन है मुंबई, महाराष्ट्र। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiannavy.nic.in। लास्ट डेट है दोस्तों 13 जनवरी। तो दोस्तों इसमें पद का है नाम है डाटा एंट्री। इसमें दो ऑपरेटर हैं A B। ए के लिए हैं 14 पोस्ट और बी के लिए हैं 2 पोस्ट ओनली। तो दोस्तों इनका पे स्केल है 25,500 से 81,100 और ये है 29,200 से 92,300। काफ़ी है दोस्तों पेमेंट। तो चलो दोस्तों आगे देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो दोस्तों ये इसमें कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 10+2 पास फ्रॉम ए इक्विवेलेंट बोर्ड। 10+2 पास होना चाहिए। अगर 10+2 पास है तो उसके बाद ओ लेवल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम का या ए लेवल का। यह है दोस्तों। और दोस्तों वही होगा, उसका एज लिमिट क्या है 18 से 25, रिलैक्सेशन एज पर रूल। जैसे वो EBC OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। चलो दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं तो आप इसको भर लीजिए। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 13 जनवरी। ये फॉर्म 25 दिसंबर से भरना शुरू हुआ है। दोस्तों ये मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक एक जॉब का नहीं डालूंगा, इसलिए मैंने 8-10 जॉब के लिए वेट किया, इसलिए बाकी लास्ट डेट से मैं पहले ही डाल दिया है। दोस्तों अगली है छत्तीसगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों के लिए। इसमें दोस्तों अच्छी बात ये है, ये देखिए आप, ये इसमें जो ये है, ये तो आपको पता परमानेंट टाइप जॉब है। इसके लोकेशन छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.government.in। इसकी दोस्तों लास्ट डेट काफ़ी दिन आपके पास 30 जनवरी है। चल दोस्तों इसमें देखते हैं पोस्ट का नाम है। ये दोस्तों कॉन्स्टेबल के लिए निकली है जिसमें जनरल ड्यूटी, ड्राइवर, ट्रेडमैन, मेल फीमेल दोनों के लिए। दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी अभी इसमें बताया नहीं है। पे स्केल इसका 19,500 प्रति महीने। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देखिए काफ़ी अच्छी बात है, 10वीं पास वालों के लिए है वैकेंसी, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम ऑप्शन होते हैं ना, इसलिए ये वैकेंसी उनके लिए है, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों वही होगा, लिखित परीक्षा होगी और आपकी शारीरिक परीक्षा मतलब फिजिकल होगा। एज 18 से 28, रिलैक्सेशन जो भी बताया था वही होगा एज रिलैक्सेशन। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जनरल और OBC के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है ना, सॉरी दोस्तों 125 रुपये है इसके लिए भी। आवेदन शुल्क ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप जमा करा सकते हैं। 3 जनवरी से शुरू हो गया दोस्तों आज से ही, और इसकी 30 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों इसको भर दीजिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी है PO प्रोबेशनरी अफसर के लिए। तो दोस्तों ये ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोस्तों PO के पदों के लिए भर्ती है। PO प्रोबेशनरी अफसर जो बैंक में जो होते हैं। दोस्तों ऑनलाइन इसका अप्लीकेशन भरना पड़ेगा। ऑल इंडिया वैकेंसी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ECGC.in। 15 जनवरी दोस्तों लास्ट डेट है। दोस्तों पद का नाम प्रोबेशनरी अफसर, टोटल पोस्ट है 32। अलग अलग विभाग के लिए, अकाउंट के लिए अलग है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, एक्चुअटरी के लिए, IT में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जनरल सब के लिए अलग अलग। दोस्तों पे स्केल देख लीजिए 32,795 से और 62,315। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज लिमिट है दोस्तों 20 से 30, 1/1/2018 को, 1 जनवरी 2018 को आपकी 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों एज रिलैक्सेशन एज पर रूल जो बता दिया था, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और दोस्तों जो डिसेबिलिटी मतलब हैंडीकैप्ट के लिए 10 साल। और अप्लीकेशन फीस की है SC ST और ये फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 100 रुपये और सभी के लिए 600 रुपये। ऑनलाइन भरना पड़ेगा वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है। स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी से शुरू हो गई है, लास्ट डेट है इसकी 15 जनवरी। आप इसको कर दीजिए पेमेंट का मोड वही है, इसी डेट के बीच में पेमेंट होगी। दोस्तों अगली है SCDCC साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफ कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड। इसमें दोस्तों कलर के लिए है, सेकंड डिविजन कलर और कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो दोस्तों ये देख लें परमानेंट जॉब है। और दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन वो ऑनलाइन है नहीं, इसको आपको डाक से भेजना है। तो दोस्तों जॉब की लोकेशन है मंगलोर, कर्नाटका में। ऑफिशियल वेबसाइट है scdccbank.com। दोस्तों लास्ट डेट है 10 जनवरी, अभी है टाइम 4-5 दिन का। दोस्तों पोस्ट का नाम है सेकंड डिवीजन क्लर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो टोटल वैकेंसी 125। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामर का ओनली 2 पोस्ट है, सेकंड डिवीजन क्लर्क की 125 पोस्ट है। दोस्तों ये इनका पे स्केल दिया है। दोस्तों जल्दी जल्दी कवर कीजिए, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया नहीं है, तो चलो मैं नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जिसमें ओनली दो पद हैं उसके लिए या तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE MCA MSc ये होने चाहिए, कंप्यूटर से रेगुलर 50% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एज कंप्यूटर प्रोग्रामर, और सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग की, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, और दोस्तों अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ओरेकल और SGL डाटाबेस में, इसके लिए SQL डाटाबेस में। और दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंसोल ऑपरेटर अंडर लिनक्स और विंडो नेटवर्क, इन दोनों का, लिनक्स और विंडो नेटवर्क का। और दोस्तों पोस्ट भी इसकी दो ही हैं, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। सेकंड डिवीजन कलर का, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 50% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती है तो कर रखी है तो 45% मार्क्स ओनली, और 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए ये दोस्तों। और दोस्तों इसकी एज लिमिट है ये है मैक्सिमम इसकी 40 साल SC ST के लिए, और 38 साल है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, और 35 साल है अदर्स के लिए जनरल वगैरह के लिए, और एज ऑन 10/1/10 जनवरी को होनी चाहिए। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन वही एज रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें दिया गया ऊपर। इसको अप्लाई करने के लिए क्या है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए क्योंकि ये डाक से भेजनी इसलिए आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं और जो अप्लीकेबल हैं इसके लिए वो इसको ये इस वेबसाइट से और इस वेबसाइट में जाके भरेंगे, उसकी जो उस फॉर्म को निकालेंगे भरने के बाद, जैसे हार्ड कॉपी उसकी निकालेंगे ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद DD ड्राफ्ट, DD लगाएंगे उसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसे सेंड करेंगे। ये देखो एड्रेस है दोस्तों, का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड कोडेवली मैंगलोर, ये इसका पिन कोड है, ऑन और बिफोर या तो 10 तारीख को या 10 तारीख से पहले ये काम करना है दोस्तों। और दोस्तों इसकी फ़ीस है SC ST के लिए 300 रुपये और अदर्स के लिए 500 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट वही होगा क्योंकि ये जो ऑफलाइन है दोस्तों ऑनलाइन नहीं कर सकते आप इसी पेमेंट, वही होगा ड्राफ्ट से या पे ऑर्डर से अगर आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो उसके लिए ये है इन फेवर ऑफ, यदि आप पूछते हैं वहाँ जाके फिर बैंक में अभी बता देता हूँ, तो ये इन फेवर ऑफ दोस्तों SCDCC बैंक लिमिटेड मैंगलोर, इसकी दोस्तों लास्ट डेट है ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लीकेशन की 10/1/2018। चलो दोस्तों अगली जॉब है ये जो CG व्यापम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये किया है, ये स्टाफ नर्सों के लिए है दोस्तों, तो ये है परमानेंट जॉब है, आवेदन की प्रक्रिया इसमें होगी ऑनलाइन, जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़, ऑफिशियल वेबसाइट है cgvyapam.choice.government.in, लास्ट डेट 8 जनवरी। ये दोस्तों इसमें मैं थोड़ा लेट इसलिए होगा क्योंकि मैं अकेली इस जॉब को ले गया था, तो वहाँ ये रहता कि आपको एक वीडियो में एक जॉब मिलती, अब मैं 8 जॉब ले गया इसलिए थोड़ा लेट होगा, बट अभी टाइम है 4-5 दिन का, आप इसे भर लीजिए। पोस्ट का नेम दोस्तों स्टाफ नर्स, वैकेंसी भी काफ़ी है 994 ये इसका ग्रेड पे, तो ग्रेड तो अभी बढ़ गया है 6th पे के हिसाब से दिया है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो BSc नर्सिंग या GNM कर रखे या PBBSc नर्सिंग। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों वही होगा, रिटर्न के हिसाब से होगा आपको, उसमें मेरिट लिस्ट लगेगी। एज है दोस्तों मिनिमम मैक्सिमम इसके 18 से 35 होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 को आपकी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए एज रिलैक्सेशन, उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा SC ST OBC जो अभी बताया थोड़ी देर पहले। और अप्लीकेशन फीस दोस्तों जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं जो जनरल और उनके लिए है 350 रुपये, OBC के लिए 250 रुपये, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 200 रुपये। पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन करनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कीजिए। और दोस्तों इसके लिए 15 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी और 8 जनवरी तक दोस्तों इसको आप भर सकते हैं, अभी टाइम आप इसको भर दीजिए। तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि मैं लेट करूँगा इसलिए क्योंकि मैं कई जो आपके साथ लेके आए, तो दोस्तों इसमें ITBP का और वो भी डाला है मैंने थंबनेल में, तो ये मैं सोचिए आपने बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला है ITBP का और UP पुलिस का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। और दोस्तों ITBP का भी कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल का इसमें दोस्तों मैं बता भी देता इस वीडियो में, बट दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लीजिए। और दोस्तों कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि अगर उनको ज़रूरत है तो ये उन तक पहुँच जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। मैंने इसलिए वीडियो बनाया है ताकि काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जिनको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।